हेलो, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो मेरा लोगो है वो 2D में है, अब इसको हम सिर्फ एक सिंगल क्लिक से इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक PNG फॉर्मेट का इमेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो सिंपल से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अभी बस सिंपल से आपको ये लेयर सिलेक्ट करना है, एक उसका डुप्लीकेट बना लेना है, उसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे 3D में जाना है और यहाँ पे न्यू 3D एक्सट्रूशन फ्रॉम सिलेक्टेड लेयर पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका लेयर है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो हमारा इमेज था या जो लोगो था वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा बस इसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे शेप प्रीसेट्स है, वहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जो प्लास्टिक शेप का कुछ होता है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है पहले से। तो आपको जैसे रोटेशन देना है वैसे आप रोटेशन अपने हिसाब से देख लीजिए। मेरे को ये रोटेशन इसका अच्छा लगा इतना पोजीशन पे। और बस आपको इसमें थोड़ा सा लाइटिंग का ध्यान देखना है, ये लास्ट वाले में क्लिक करके आपको बस लाइटिंग का इफेक्ट देना है कि जो लाइट है वो किस साइड से आ रही है। ये हो गया सिंपल, आप इसको बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये है रेंडर का, आपका जो इमेज है जो आपने 3D का बनाया है वो रेंडर हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये रेंडर होने लग जाएगा। तो रेंडर होने में टाइम लगता है, तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है आपका सिस्टम क्या है और कितनी जल्दी रेंडर कर लेता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे, इसका रेंडरिंग स्टॉप हो चुका। और मैं सिंपल से लेयर में जाके इस पर न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा जो है लोगो रेडी हो चुका है। ये अभी जो रेंडर हो रहा था वो अच्छे से रेंडर नहीं हुआ, आप इसको जितना टाइम देंगे वो अच्छे से रेंडर करेगा। तो ये हमारा सिर्फ एक क्लिक में 3D लोगो रेडी हो चुका है। तो आप कोई भी इमेज ऐसी 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस वो PNG होना चाहिए।